वह महर्षि दधीची के भाई के नाम मरीची दधीची वही वह दधीची के हड्डी के धनुष जे धनुष एक के बार भोले बाबा उठेल के त्रिपुर राक्षस के मार के राजा जनक के दे दल के राजा जनक के नहीं परशुराम के परशुराम वो कन्हा पर टांगने रहे ओकरो भारी लगले ओहो एले मिथिला घुमेल कल के राजा जनक टंगने टंगने हमर कन्हा फूल गेल है हले अब तो तनी दिन रखो राजा जनक रखलके राजा जनक के तय ओ समय अब ने बेटा ने बेटी राजा जनक जी सिमरिया स्नान कै के गंगा आबै रहता बिहार के धरती के कूच कैने छिक माई के ओर से सेवा वह समय में एगो हलबाहवा होर जोतै रहे चिलमिलावत धूप में होर के नाश के सामने एगो हंडी उखरले वह हंडी से एगो लड़की जन्मले देखलक एत सुंदर लड़की रहे राजा जनक जी के कनियन के नाव रहे सुनैना सुनैना के बाप के नाव नागराज बासुकी राजा जनक जी महाराज के ससुर के नाम नागराज बासुकी नागराज बासुकी के बेटी सुनैना वो अब हलवाहवा कल के अपनोर कहे छे जहां पवन की गबन नहीं रवि शशि उगे ना जो फल ब्रह्मा रचे नहीं अबला को मांगे दान अबला को मांगे दान अबला कहल गले नारी के जे ब्रह्मा कर सृष्टि में नहीं रहे दान मांग लके हलवाहवा कल के मालकिनी देत दबो बेटी बड़ी सुंदर छे हमरा जोग नहीं छे घर जोग लेकिन हमरा की मिलते राजा जनक जी महाराज के कनियन कलखनी यह नाम रख देबो हम अपना बेटी के तोरे नाम जा रहते धरती तोहर नाम मरतौ नहीं की नाम छियो हलवाहवा कल के हमार नाम सीत छिये कल के हम अपना बेटी के नाम सीता रखबो बोल दे संत भगवान की देखिए घोषणा भए गेले आगा बढ़ले राजा जनक जी महाराज के सामने पंडित जी मिल गए कलक ऐ बचिया के नाम की रख लहो कलकनी राजा जनक हमर कनियन रखलक सीता कलक हम एक बोले छियो आकर नाव रख दियो बचिया के वैदेही सीता के दोसर नाम वैदेही आगा बढ़ल ब्राह्मणी मिलल पुंडरीक काक्षी कलक एकर नाव की बोलो कलके मैथिली जो जो कदम बढ़ल गले सीता जी के नाम बढ़ल गले आगा चलते चलते दोनों गोटा जगह पर चलिए राजा जनक के घर में सीता जी गले ठीक एक साल के बाद राजा जनक जी महाराज के बेटो जन्म ले लेलके जबकि निपुत्र रहे बेटा के नाम वैदेही शरण बड़का बेटा के नाम राजा जनक के दुग बेटा एगो बेटा के नाम वैदेही शरण एगो बेटा के नाम निधि महाराज निधि महाराज राजा जनक दू भाई छोटका के नाम कुशध्वज कुशध्वज के दुगो बेटी एगो मांडवी और बेटा के नाम राधे चलिए दोनों गट्टा जगह पर अब सब धनुष तोड़ने की बारी में है लेकिन धनुष टूटिए नहीं रहा है किसी से नहीं इतना कि चार जब बजा ना तो हुआ क्या भूप सहस्र दस ये कहीं बारा कहा जो जो बारी बारी से उठा जब नहीं उठे सब 10,000 राजा मिटी बात किया उठाओ एक के बाद कैसे किरान मंगाओ किरान लान लग
धनुष के कोर में वो रस्सा तार बांध के किरण पर चढ़ा के उठा के वे बगल से सब राजा तार पकड़ के खींचब करे। 10,000 जो तार खींचे रहे धनुष तो उठल नहीं, लेकिन इतना गो कोना जो खटांग सीन टूटल की 10,000 बोल दे पटक उन्हें गिर गए। 10,000 निरपिए कहीं बारा लगे उठावन टड़े न टाड़ा। तुलसीदास कलखनी 10,000 राजा हार गए कलके नहीं भेलो ई बात नहीं लगल के 10,000 निरपिए कहीं बारा धनुष केत गो रहे हो अगर मुठियो मुठियो में पकड़ते है तो केत गो भ जेत है। तुलसी बाबा कलके धनुष के बढ़ैयो क्षमता रहे घटैयो क्षमता रहे कलके इहो नहीं भेलो कलके भूप शास्त्र दसिए कहीं बारा लगे उठावन टड़े न टाड़ा। 10,000 जब उठवाल गेल होते तो उठल किए न हो कल के धनुष के वरदान रहे कि जरा से नहीं उठते आधा बॉल वह में घुस जेते कल के यो नहीं भेलो कल के तब कल के भूप शास्त्र दसिए कहीं बारा वहां दू गो पहलवान रहे भूप सहस्र दस 10 गो मूरी वाला पहुंचल रहे रवन मां आ 1,000 हाथों वाला रहे पहुंचल शास्त्रा बाहू बानासुर सोच लिए 1,000 हाथ वाला के रहे बानासुर 10 गो मूरी वाला रावण। तुलसीदास कल के हाँ अभी बात सेट कह गल भूप सहस्र 10 गो मूरी वाला 1,000 हाथ वाला एक ही बारा बनासुर के कल के रावण उठे भी बनासुर कल के हमें नहीं उठे वो हमारा गुरु महाराज के छे तो उठाई नहीं रावण कल के हमें तो उठाइए लेबे कैलाश पार उठवे हमारा कुछ लगले नहीं एक कि लेकिन जय रावण गले उठवेल आप कन्नव रामायण पढ़िए जय रावण गले उठवेल सीता जी रहे छज्जी पर बैठल माला लेने 4 बजे के समय रहे सीता जी कल के प्रणाम बाबू सीता जी कल के प्रणाम बाबू रावण आब मूरी उठेलके रावण जय मूरी उठा के देखे छे तो कल के बाप रे बाप ये तो हमरे बेटी छे बोल दे सियावर रामचंद्र की रावण मूरी उठा के देखल के कहे छे तो हमरे बेटी छे जेहने मुंह मंदोदरी के ओहने मुंह एक कोन छे जेहने सुंदर मंदोदरी छे ओहने सुंदर यह छे कल के तो हमरा मंदोदरी सनक लगे छे कल के तोरे बेटी छियो आ हमर माँ छे मंदोदरी। रावण कल के तब तब आप की करिए कल के बाबू तो धनुष नहीं उठैयो नहीं तो गड़बड़ा जेते बोल दे वृंदा रावण कल के नहीं उठेबो लेकिन एगो बात अय धनुष के जे उठा लेता है वह हमरा मारते वह देख ले लिए ना हम देखे छे कि के छे ऐसन पहलवान जी धनुष उठेते हम देखबे ओकरा आजगे फरियाय देबे रावण इतना सोचबे कल के आकाश बानी भले रावण तुम्हारे बहन को मधु नाम का दानव लेके कुंभ नशी को भागा ले जा रहा है जाओ पहले उसको देख। रावण उल्टा पांव भागले उत्तर दिशा आ तब तक में 4 बज गए आ 4 जब बज जाए छे तो ओकरा कहल जाए छे गौधूली बेला गौधूली बेला बुझ गेलिए गौधूली बेला गौधूली बेला सांझ ने गौधूली एकर बाद सांझ पड़ता है बाबा एक खनी देखो चौकी डमरे दे गौधूली बेला पर्ण करने का समय संध्या करने का समय वंदना करने का समय आग्रह विनती करने का समय आए हुए अतिथि को रोकने का समय संत साधु आ जाए उसे उस बेला में रोक लेना चाहिए। जो ही गौधूली बेला हुआ तो राजा जनक के भाट ने कहा जहू व्यासन जन जगृह जाहो आसन जन जगृह जाहो जाहो लिखन विधि बही देही विवाहो जितने सारे राजा महाराजा हैं आप जाइए
जान गए कि जानकी के विवाह भाग में लिखा नहीं, कोई धरती पर वीर नहीं बचा है जो धरती वीर से, जो मैं जानत वीर बिहाना तो मैं कठिन पर नहीं ठाना। राजा जनक जी महाराज बोले धरती वीर से खाली छे, आब कोई छबे नहीं कराए, धरती पर कोई पहलवान नहीं। राम के बगल में बैठल रहे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण के ऊपर का सिरही पर विश्वामित्र है के दा, लक्ष्मण जी ऊपर का सिरही पर कूद गए नीचा, कूद के पहुंच गए धनुष लिखा के बोल रहे हो की बोल रहे हो के कल हो कि धरती पर वीर नहीं छे, ककर हिम्मत छो एकरा जीम ताकत भ गलो हो सामने आबो ई धनुष एकरा पकड़बे तो 100 कोस नेनही चल जबे दौड़ ले। राजा जनक कल के रे मर्दवा जल्दी पकड़े न तो देखै की छै लक्ष्मण जी फेर निकल के सुनो ई धनुष जल को थल कर दो, थल को जल कर दो, उतार सलीक सितारों को, सुरमे की तरह विष डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। जल को मैं थल कर दूं, उतार सलीक सितारे को, सुरमे की तरह मैं पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। राजा जनक पर्वत को एक मुष्टिका में गर्दा बना देना है और जनकपुर को धसा करके तालाब बना देना है। राजा जनक कल के मर्दबा पहले तो तोड़बे की गपे सब करबे, सांझ पड़ गए जुलू में बात अच्छे के माई की तरफ से सेवा। दो चार बार फिर कहे जनक है लक्ष्मण जी दौड़ के आगे, दौड़ के पीछे, दौड़ के आगे, दौड़ के पीछे, दौड़ के धनुष के बगल, दौड़ के उधर। भगवान राम कल के गुरु महाराज से, गुरु बाबा हो बाबा, बाबा कल के की बात, कल के देख रो लक्ष्मण आके बदमाशी बदमाशी बुझो धनुष लिख चा चल गए ना छटपट छटपट कर कर के पकड़ के उठा के तोड़ लेके तो मुश्किले भ जेते। कल के की कल के तो सीता के बियाह होते हमरा द्वार की भाई ते ओकरे द्वार ओरा कहो ना चल लेते है। विश्वामित्र कल के हमर बात मानबो करते गरम दल का आदमी अखन गोस्वाम हम जादे बोलबे तो हमरे बिगड़ जेत। भगवान राम इशारा किए लखान बैठ बैठ गए, तुमको कौन कहा जाने के लिए, गलती हो गई, काहे गया भूल हो गए, अनुमति लिया जी नहीं, क्यों बिना अनुमति के गया गलती हो गई, गुरु महाराज से पूछा नहीं, बुजुर्ग से पूछा नहीं, साधु से पूछा नहीं, ज्ञानी से पूछा नहीं, भाई से पूछा नहीं, काहे गया बर्दाश्त नहीं हुआ कहे भाई गलती हो गया। ठीक बैठ राम जी को गुरु महाराज अनुमति दिए, जाओ राम तोरो धनुष और राजा जनक का शोक दूर कर दो। राम जी गुरु महाराज को प्रणाम करके ज्यों ही चले, ज्यों ही आगे बढ़े, सबसे पहले राम जी ने देखे सीता जी को। राम जी के मन में बसल श्री जानकी, राम जी के मन में बसल श्री जानकी, सिया जी के मन में बसल श्री राम जी गावे रूमारी। राम जी ने देखे सीता जी को, सीता जी ने देखी राम जी को, राम जी ने बोले धनुष उठावे, सीता जी कलखनी हमर नाव ले लिया, हमर नाव ले लिया। सीता जी से भगवान कलकनी हमें भगवान राम जगत ब्रह्म जगत रचियता तोहर नाव की लेव, सीता जी कलकनी हमरा लिखचा यहाँ के शक्ति सब बोल दे सियाव रामचंद्र के हमर नाव लेवे तभी धनुष उठते, अन्यथा नहीं उठता। राम जी कलकनी केना नहीं उठता, सीता जी कलखनी नहीं विश्वास है तो नहीं, अच्छा उठाए के देख लिए बोल दे सियावर रामचंद्र के, उठाए के देख लिए बाप रे बाप, मास्टर साहब पीछा में बैठल नहीं आय के बाद नहीं पूछबे अपने से अच्छा हमारा गुरु जी जी के ओर से 51 रुपया की सेवा हमरो आ एक धक्का दिए दलखनी, हमरा हर तक गर्व न रहे
जो गुरु जी बैठल, बुजुर्ग बैठल, साधु बैठल, सज्जन बैठल, विद्वान बैठल, बूढ़ा बुजुर्ग बैठलाक बाद मन मिजाज बुलंद रहे, बोलबे बोल दे संत भगवान की जय। आय हमरो धकिया देलखिन, कहलखिन यहाँ हमरो दे शिकायत कर दनिया कखनो कखनो दे। आय से नहीं बोलबे गुरु जी, आप नहीं बोलबे। एक बार जोर से हर हर महादेव। अब भगवान राम जी सीता जी कलखनी उठाइए, सीता जी कलखनी हमर नाम लियो। राम जी कलखनी नाय कलके तो उठाए के देख लियो की होता है, कलके जे दशा सब को वह दशा हो। राम जी कलके बाप रे बाप, आप तो सब हारिए गेले, हमहू कहे हार देवे तो बोल दे वृंदावन। राम जी परिक्रमा कलका आ सीता जी केना कलखनी विचार करियो। कुमारी कन्या भगवती के रूप होइ छै, एक माता जी कोर्स भी 51 रुपया के सेवा, एक माता कोर्स भी 11 रुपया के सेवा देल गेल है। आ घरियो कहे छै हम 5 बजे उठियो सीताराम। हाँ अरे बा बाबा जी कहे 6 घंटा भए गेले। बाबा जी कहे 6 घंटा भए गेले तब भेलन त। अच्छा चलिए तब 5 मिनट में घीच दे छी, एकदम कोनिया देलिए, बेईमानी करे हरदा की छी। राम जी ज्यों ही इशारा कलखनि उठाइए उठाबो, एक बार परिक्रमा कलखनि सीता जी कलखनि, पहला परिक्रमा हमर, दोसर परिक्रमा भेले कलखनि हमरा माय बाप और राज के, तेसर परिक्रमा कलखनि कलखनि संत समाज और गुरजन पुरजन के, आधा परिक्रमा कलखनि कलखनि रुक जाओ किए कलकनी परिक्रमा करे के अपने के वंश का अधिकार से सरहे तीने बार बोल दे वृंदावन बिहार लाल की जय। राम कलखनी न किया कलके सरहे 3 बार से, यदि राम के वंश में सूर्य वंश में कोई ज्यादा परिक्रमा करे उतुर सर ये मर जाए, ये हम जाने छी श्राप, श्राप छे अपने के वंश एक श्राप छे कि सरहे 3 मोर परिक्रमा ज्यादा हुआ और सूर्य वंश मर जाए। आँख सर है तीन पूरी गले रुकू, भगवान रुक रखी की करिए। कलकनी आप दंडवत करियो धनुष को, कलकनी धनुष को करवे तो नीचा छे, कलके वो हमर माय छे, बेटी का हाथ मांगे से पहले माय के प्रणाम करे चाहे बोल दे वृंदावन भैया जय हो। कलके केना कलके हमर असली माय धरती है छे, धरती है सब निकल लिए, हमर नाम छे भूमि बिदारनी, भूमि बिदारनी। अहाँ मुड़ी झुकेबे हमर माय खुश भए जेतै, हमरा माय के प्रणाम करियो। हमें माय के कहनहूँ छियै कि जे दुल्हा पसंद होतो हमरा तो हमें एना एना करबो तो धनुष जे एना पकड़ने छै ने ओकरा छोड़ दी है, हल्का कह दी तो जहाँ यहाँ प्रणाम कलिए कि हम इशारा कह देवे। आ धनुषो कहने छियै कि हमें जहाँ एना करबो तो तू हल्का भए जइयो आ नम्हर जे छौ से छोट भए जइयो। दोनों बात जय प्रणाम कलखन की धनुष भए गेले छोट आ धरती दलके छोड़। राम जी प्रणाम कै के उठेलका, आइए अब दुनू गोटा इशारा लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, चढ़ावत खैचत काढ़े, लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, बाहु न लखा देख सब ठाढ़े, बाहु न लखा देख सब ठाढ़े, राम मध धनु तोरा, ताही समय 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 राम लेत चढ़ावत खैचत खाडे, काहू लखा देख सब ठाडे, जो ही मार प्रतंचा पर खींचे तही समय राम मद धनु तोड़ा, मद से ही धनुष टूटा। तुलसीदास को पूछा गया ना धनुष ऊपर से टूटा ना धनुष नीचे से टूटा, धनुष मद से क्यों टूटा?
तुलसीदास जी ने कहे ऊपर से तोड़ते या नीचे से तोड़ते तो लोग समझते कि पतला था इसलिए टूट गए, मध्य में मोटा थे तो मध्य से तोड़ने के बाद लोगों को अनुमान हो गया कि मध्य से जो टूटा है ये बहुत बड़े रघुवीर पहलवान है। कहा ना, तेही समय राम मध्य धनु तोड़ा। तुलसीदास से पूछा ये बात सेट नहीं किया, तुलसीदास कहे नहीं धनुष आकाश में टूटा न पाताल में टूटा, मध्य में मृतलोक धरती है इसलिए तही समय राम मध्य धनु तोड़ा। फिर कहा ना ये भी नहीं। कहा तो दूसरा तर्क, कहा कि साधु संत और सभा मंडल राजसभा के बीच मध्य में धनुष तोड़ा गया। फिर तुलसी बाबा से लोगों ने पूछ दिया कि आप फिर उलझा रहे हैं। तुलसीदास कहे तो सुनिए, न राम ने धनुष ने 12 बजे में तोड़े न सुबह में तोड़े, मध्यान्ह बेला में तोड़ दिए। बोल दे संत भगवान की जय। तेही समय राम मध्य धनु तोड़ा। जब धनुष टूट गया तुलसीदास से पूछा गया तीनों में कुछ नहीं हुआ, तब तुलसीदास ने कहा कि शरीर एक धनुष है और शरीर रूपी धनुष में अकर्ता अहंकार है, ज्ञान राम है। यदि ज्ञान राम ने अहंकार रूपी अकर्ता को तोड़ दिया तो मध्य से धनुष टूट गया। सबके सब लोग